ने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। तुमने मुझसे दोस्ती करके, मुझसे मोहब्बत करके कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं, और यही सच है। इस वक्त जो अलादीन तुम्हारे सामने है वो वहम है, पर उसका बोला एक एक लफ्ज मेरे दिल से निकला है, सच में नक्चड़ी। बस करो जुमरू, इससे पहले कि बनती बात बिगड़ जाए अपना बहम का जादू खत्म कर दो। मैं वापस आऊंगा नक्चड़ी, मैं वापस आऊंगा। जा रहा हूं मैं यहां जान अपनी छोड़ के। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। जल खत्म कर दो, आंखों के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए भी आका को इस हाल में देखना आसान नहीं है जिनमिनी, लेकिन आका को अपना दिल मजबूत करना होगा। मुझे अलादीन के रूह का वहम थोड़ी देर और आगे बढ़ाना होगा, ताकि अम्मी को यकीन हो जाए कि अलादीन की रूह वापस लौट आई है। एक बार अम्मी को यकीन हो गया, उसके बाद शहजादी को भी यकीन हो जाएगा और उनका शक दूर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नाटक आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। मेरे अल्लाह का पर करे रहम, गायब हो जाए मेरे जादू का वहम।
खुला जिन दो लोगों से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो मेरे सामने मेरी वजह से दर्द में है और मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा भी नहीं दे सकता। अम्मी तक चढ़ी, मुझे माफ कर देना, पर मैं वादा करता हूं कि ये गम सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है। पापा का गुस्सा कोई मेहमान नहीं है जो चला जाएगा, मकान मालिक है, रहेगा। और बिल्कुल वैसा ही गुस्सा मुझे भी आ रहा है अलादीन के भूत पे और खुद पे। आज फिर अलादीन का भूत मेरी आंखों के सामने से चकमा देके चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। खराब के जिन्नी, देखा आप सबने हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना देख कर वो खबीस अलादीन का भूत फौरन भाग गया। हम दुश्मन को एक मौका देते हैं, एक दूसरा नहीं। हमने उसे जाने दिया लेकिन कसम खुदा की, एक और मर्तबा उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की, हम उसे नहीं बख्शेंगे। ऐसा लगता तो नहीं कि भूत वजीरे आला को देखकर भाग गया? अब वो अपना बदला लेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे तो शुरू से पता था अलादीन गुनहगार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गया। अब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। अलादीन की रूह की वजह से आवाम की नजरों में हमारे लिए शक, उसके लिए हमदर्दी पैदा होने लगी है। ऐसी चिंगारियों को आप पकड़ते वक्त नहीं लगता। एक साल पहले हमने अलादीन का इंतजाम किया था और अब उसकी रूह का करेंगे। चाची जान, आपने तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी, फिर आज क्यों? हिम्मत रखिए चाची जान। पर गुल्लू, क्या वो सचमुच अलादीन की रूह थी? क्या मेरा बेटा सचमुच वापस आ गया है? चाची जान, आपका बेटा तो कभी आपको छोड़ कर गया ही नहीं था। वो तो जिंदा, और इस वक्त आपके साथ खड़ा है। चाची जान, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, पर एक बात अच्छे से जानता हूं, भाई मेरा भाई अलादीन कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जरूर कोई राज है जो सिर्फ वो जानता है हम सब ने, और उसकी रूह वही राज हमें बताने आई। चड़ी, मैं जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी। मैं नकचड़ी को ऐसे उदास नहीं देख सकता, मुझे इसे हंसाना पड़ेगा। शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपको शुक्रिया नहीं कह रहा, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ कि आपको मुझे शुक्रिया कहना है। हमें हमें क्यों आपको शुक्रिया कहना है? अरे
आपने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं चल पड़ा, तो छोटा सा शुक्रिया तो बनता है ना। शुक्रिया शहजादी, शहजादी शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज बनता है, हैं? वैसे लग नहीं रहा है कि हम अलादीन के भूत से मिलकर आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलादीन की रूह के होने पे आपको शक है? शहजादी मैं झक्की हूँ, परेशानियों को पीसने की चक्की हूँ, लेकिन शक्की नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि अलादीन का भूत बाकी भूतों से बहुत अलग है। मतलब आपका काफी उठना बैठना होता है भूतों के बीच। अब क्या है देखिए शहजादी, काम के सिलसिले में मैं पूरी दुनिया घुमा और कई अनोखी चीजों से रूबरू भी हूं, भूतों से भी। तो हमें भी बताइए आपके इन भूतों के बारे में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े चोर फखरुद्दीन गोगो भूत लोगों की आंखें निकालकर गोटियां खेलता है, गोटियां। और फिर आते हैं सहनशाह का भूत जो रिश्ते में सबका बाप लगता है। और फिर दरोगा चुलबुल सुलेमान का भूत जो लोगों में इतने छेद करता है कि जाने दीजिए, आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा। इन सबके सामने तो अलादीन का भूत प्यारा सा मासूम सा था, इतना सीधा इतना भोला, बिल्ली का बच्चा रूई का गोला। ऐसा भूत जो अगर बच्चों की पतंग पेड़ पे अटकी हुई दिखी ना तो वो निकाल देगा, अम्मी के साथ बैठकर सब्जी काटेगा और जिससे दोस्ती करेगा मरते दम तक निभाएगा। और मोहब्बत करेगा तो इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। जाने दीजिए, आपके सामने बोल नहीं पाऊंगा। शहजादी आपने अलादीन को दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई थी, पर फिर भी वो आपसे जरा भी नाराज नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसे अगर गम है तो इस बात का कि उसने आपका यकीन तोड़ा। नकचड़ी, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो, फिर तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा यकीन तोड़ सकता हूँ? क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थी नकचड़ी? मेरे दिल में एक सवाल आया है, क्या आपको लगता है कि अलादीन आपका यकीन तोड़ सकता है? या फिर आपके अब्बू का कत्ल कर सकता है? अगले 5 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं बेकसूर था। अपने दिल से पूछिएगा।
रखा हूँ, अगली बार ये अलादीन का भूत मुझे मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाए और ना आगे कुछ कर पाओ। ना जाने कौन बेवकूफ, तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर जिन कहलाता है। आप कहते हैं आकर मेरा मतलब है आका, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारी पूरी कोशिश है। ठीक है, तो तुम अपनी कोशिश, अपना जादू अपने पास रखो। लेकिन आका, मेरा जादू तो मेरे पास ही रहेगा। बदतमीज, पर हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, पर क्या? तुम जिन नहीं, हमारी ये कच्चा जाल हो गए हो तुम, मनहूस। दुनिया के सबसे सबसे बेकार दास। तुम ये गमला अलादीन के उस भूत को पकड़ने में शायद हमारे किसी काम आ जाता, लेकिन तुम रत्ती भर काम नहीं आया हमारे। आका, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? वो अलादीन का भूत बहुत चाहते रहे, तो कोई ना कोई नए पैतरे ले आता है। कभी वो आपको अपनी ढाल बना लेता है, कभी वो इतने सारे लोग इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि वो जानता है मैं आपको चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही इतने सारे लोगों के सामने अपने असल चेहरे को दिखा सकता हूं। लेकिन आज तो हमने तुम्हें पूरी आजादी दे दी थी, तो क्या कर सके तुम? क्योंकि आका, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो जादू कर रहा है। क्या मतलब? मतलब जब मैं अलादीन के भूत से लड़ाई कर रहा था तो मैंने जादुई रेत फेंकी थी, लेकिन वो जादुई रेत हवा में नहीं जमीन में जाके गिरी। गन्ना हो वहां, जा हो गन्ने का खेत, गिर वहां, जा है रूह और जादू, जादू रे। इसका मतलब कोई तो था जमीन पे जो जादू कर रहा था, लेकिन वो कौन था? एक तो तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की, और अब ऊपर से ये बेतुके सवाल जवाब कर रहे हो हमसे, उच्च दलील कर रहे हो। अरे हमें क्या पता, और हम मालूम करेंगे इसके बारे में? बचकाने तो हो ही, लेकिन तुम्हारा जादू उससे बड़ा बचकाना है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप भले ही मुझे बेवकूफ कह लीजिए, लेकिन मेरे जादू पे उंगली मत उठाइए। आका, कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसमें जादू नहीं काम करता, उसमें मैं क्या करूं? तो अब आप हमें सिखाएंगे अपने आका को कि आपका जादू क्या कर सकता है और क्या नहीं। तुम सिर्फ नाम के ताकतवर जिन हो, तुमसे बेहतर वो अंगूठी का जिन था। और तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, खाना, ठूसना, भर लेना अपने आप को। खाना? माना कि मुझे बिरयानी पसंद है, आप पसंद है, मुझे शीरखोरमा पसंद है, आप पसंद है आका, लेकिन उसमें गलत क्या है? मैंने क्या गलत किया आका?
आज सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन क्या मैंने आपसे कुछ भी कहा, एक लफ्ज भी कहा? लेकिन आप बस ताना देते रहते। चराग किचन। हाँ, मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके अवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका जमीन भी उसका खुद का नहीं है।